तो आज हम फैब्रिक लटकन बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने दो पीसेस लिए हैं जिसकी लेंथ 5 इंच है और विड्थ जो है 5 इंच है। इसको आपको सेंटर से फोल्ड करना है, देन एक बार और फोल्ड करना है और फिर इसके कॉर्नर से फोल्ड करते हुए आपको ऊपर के कॉर्नर से स्टिच करते हुए नीचे आना है और इसे पक्का कर देना है। ये इस तरीके से आपको बेल बनानी है जिसको घंटी भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम ये दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये हम ब्लाउज़ की डोरी में लगाएंगे। तो ये टोटल आपको जो है 16 पीस बना लेने हैं, जो कि एक डोरी में हम 8 लगाएंगे और दूसरी डोरी में 8 लगाएंगे। इसके एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके जो है आपको इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, और इसकी कॉर्नर्स जो हैं कैची की हेल्प से अच्छे से बाहर निकाल लेनी है। ये आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना है ताकि इसकी जो लुक है अच्छी दिखे, तभी लटकन जो है देखने में अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आपको ऐसे ही इसे भी सीधा कर लेना है। तो ये मैंने जो है टोटल 16 पीसेस बना रखे हैं और इन सभी को सीधा कर दिया है और इस डोरी में मैंने 1 घंटी लगा दी है। तो ये डोरी के साथ आपको स्टिच करके आपको इसे फोल्ड करते हुए ऐसे ही स्टिच करनी है और फिर इसे सीधा कर देना है। दूसरी डोरी भी ऐसे ही तैयार कर लेनी है। अब जो है इन घंटियों को हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो है सुई आपको इसके अंदर से होते हुए बाहर निकालनी है कॉर्नर से, और इस तरीके से आपको इसकी जो सिलाई है ये अंदर की साइड रखनी है और नीचे से जो है 2 इंच का गैप होना चाहिए और डोरी के साथ जो है आपको पकड़ के इसको अच्छे से गांठ बांध देनी है। ये हम दूसरा लेंगे और इसके साथ में ही डोरी के साथ पकड़ के इसमें गांठ बांध देंगे। और ये है तीसरा। तो सेकंड रो में हम 3 घंटे लगाएंगे और जो इसकी ऊपर रो बनेगी यानी कि तीसरी रो, उसमें हम 4 घंटे लगाएंगे। तो ये टोटल हमारी 8 घंटे हो जाएंगी। तो ये हमने तीसरा भी लगा लिया। यहाँ पे अच्छे से आपको गांठ बांध लेनी है ताकि ये खुले ना, और ये जो है सुई में आपको डबल धागा यूज़ करना है। और थर्ड लेयर जो हम बनाएंगे उसके लिए आपको जो है सुई को डोरी के अंदर से ही बाहर निकालना है इस तरीके से, एंड देन फिर वही नीचे से 2 इंच का गैप होगा तब आपको डोरी के साथ इसको गांठ बांध देनी है इसके कॉर्नर से। ये है दूसरा जो हम इसके साथ में ही इसके बराबर में डोरी के साथ पकड़ के गांठ लगा देंगे। ये दिखने में हैवी होता है लेकिन बहुत ही लाइट वेट है और आप इसे डेली वेयर में भी अपने ब्लाउज़ या सूट के बैक में डोरी के साथ अटैच करके इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से जो है हम दूसरी डोरी भी रेडी कर लेंगे। तो इसको भी आपको ऐसे ही घंटे के अंदर से सुई बाहर निकालनी है और नीचे से 2 इंच का गैप रखते हुए आपको इसको डोरी के साथ गांठ बांध देनी है।
एक डोरी में 8 घंटियाँ इनफ होती हैं। अगर आप इससे कम लगाएंगे तो उतना अच्छा लुक नहीं देती, और अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो इसलिए मैंने 8 घंटियाँ ही यूज़ करी हैं। सबसे नीचे एक जो हम डोरी के साथ स्टिच करते हैं, उसके ऊपर 3, देन उसके ऊपर 4। तो ये हमारी तीसरी लाइन है। अच्छे से गार्ड बांधते हुए आपको ये लगानी है। ये है लास्ट, इसको भी हम अच्छे से डोरी के साथ गांठ बांध देंगे। तो बस ये हो गया हमारा कंप्लीट, और ये आपको बैग से कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो गाइस, ये हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। लाइक करना ना भूले, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।